ने पकड़ा दे। बाड़ी यूं बोलिया कि मजबूरी में दे रहा सू, कद खोलो मैं पिलवा दे। अरे बाड़ी के, अरे मैं तू बाड़ी के पैनी सी धार लगा दे, महाराज मजबूरी में दे रहा सू, कद खोलो मैं पिलवा दे। पर मेरा काल या काम पैसे देने के नहीं इरादे। बाड़ी ने राजा के डर से झट से निकाला आरा और पकड़ा दिया। राजा धर कंधे पे आरा और महलों के लिए आ गया। साधुओं को दरबारों से महलों में बुलवा लिया, अपने बेटे धीरधज को बुलवा लिया, महारानी विद्याधरनी को बुलाया और महारानी विद्याधरनी देख करके पैनी धार का आरा। रानी का हृदय कांप गया, लेकिन तीन वचनों का सवाल था। तीन वचनों के सवाल में रानी भी बंध जाती है और दोनों मर्द वीर राजा मौरध्वज और विद्याधरनी महारानी किस तरह से आरे को उठाएंगे और किस तरह से बेटे के दो टुकड़े करेंगे। आधे का भोजन शेर के लिए बनाने के लिए तैयार करेंगे और आधे का भोजन साधुओं को जिमाएंगे। और कवि ने आखिरी रागणी में किस तरह का तोड़ और निचोड़ निकाला है लिख दिया। आइए ये रागणी आपके बीच में मेरे द्वारा और सरिता कश्यप हरिद्वार, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार ताली। 5 मिनट में रागणी पूरा करने का काम करूंगा। विद्याधरनी कहिए महाराज। साधुओं के तीन वचन याद हैं? हाँ। ये बाड़ी के यहाँ से पैनी धार का आरा लाया हूँ। ये आरा एक तरफ से मुझे पकड़ना है, दूसरी तरफ से तुम्हें पकड़ना है। धीरधज बेटे के सर के ऊपर टेकना है और बड़ी मजबूती के साथ ये आरा चलाना है। बेटे के दो टुकड़े करने हैं और याद ना रहा हो तो फिर बता दूं, आरा खींचते समय आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। जी महाराज। अगर आंसू आ गए तो साधु उठ करके चले जाएंगे, हो सकता है कुछ श्राप दे करके चले जाएं। हमारा यहाँ तक का किया हुआ दान, अब तक की हुई वो नेक कमाई व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन महाराज मेरे आज हाथ कांप रहे हैं, ऐसा लगता है कि यारा आज मुझसे नहीं चलेगा और मेरा दिल भी बहुत कांप रहा है महाराज। गया बैठ धीर धजे, करे के नीची नागरे। गया बैठ धीर धजे, करे के नीची नागरे। गया बैठ धीर धजे, करे के नीची नागरे। परमेश्वर का ध्यान लाके सुत पे आरा टेक दिया। चाले को न्याहत कांप गए, रानी का हिल गया हिया। चाले को न्याहत कांप गए, रानी का हिल गया हिया। हर 9 महीने तक रख्या गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी तरह की कमी न छोड़ी, शौक करे था नए नए। अरे जिन हाथों से पाल्या पोषा, उन हाथों से चीर रहे। जिन हाथों से पाल्या पोषा, उन हाथों से चीर रहे। माँ की छाती फटने लगी, रे 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 रे।
की छाती फटन लगी आ बेटे कर जुगाड़ रे गया बैठो धीर भजे करनी चीनाड़ रे गया बैठ धीर भजे करनी पिता का दिल गमगीन देखा उदास देखा माता पिता को बेटा धीरधज यूं समझाने लग गया और दूसरी कली में के समझाता बेटा धीरधज क्या बता दिया कैसे ऐसा मौका मिलता कोना दानवीर ने बारंबार ऐसा मौका मिलता कोना दानवीर ने बारंबार हरे वचन खातर सर दे देना यूं वेदों में छंद जड़े ऋषि ददीची हरिश्चंद के ना तुमने इतिहास पढ़े और कर सत्कार जिमाते भोजने भूखे द्वारे संत खड़े कर सत्कार जिमाते भोजने भूखे द्वारे संत खड़े हरे रही आत्मा तड़प शेर की हे रे 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 रही आत्मा बेटा धीरधज की इतनी बात सुनी तो रानी ने हृदय कालजा कैडा किया ममता मारी आंखों में आंसू तो आए लेकिन पलकों की ओट दबा गई और कैडी छाती कर आरा कस के पकड़ लिया एक तरफ से राजा और दूसरी तरफ से रानी आरा खींचने लगे और कैसे आरा खींच रहे हैं और तीसरी कली कभी महोदय ने इस बात को लिखा होगा तो माँ शारदे के वरदान से कवि की कलम भी रोई होगी और क्या लिखा है क्या बताया छुट्टी धरती होगी लाल लाल दिशाओं के दिग्गज डोले अमर भी गया थाल दिशाओं के दिग्गज डोले अमर भी गया थाल की दोनों ने उठाया आरा बचनों का किया जब ख्याल खून की फुहार छुट्टी धरती होगी लाल लाल और सजनों दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया थाल आरे ने सिर को काटा गर्दन को काटा गर्दन को काटता काटता जब धड़ के दिल के पास आया तो चलता चलता आरा एक हाड़ में अटक गया रुक गया राजा देख के हैरान रह गया और यूं कहने लगे बाड़ी के मैंने आरा पैनी धार का मांगा लेकिन तूने आरे में धार पैनी ना लगाई धार पैनी होती तो आरा ये रुकता नहीं अब तक तो बेटे के शरीर को चीर दिया होता बाड़ी का पुराना यारा हाड़ के मैं खटके था नाजुक था शरीर जिसका
जी छोरे का भटके था निराला था सीन लोगो काल जे में खटके था निराला था सीन लोगो काल जे में खटके था रही आय मर के आवे था रे 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 बाड़ी का पुराना आरा हाड़ के में खटके था नाजुक था शरीर जिसका जी छोरे का भटके था और निराला था सीन का भाइयों वह काल जे में खटके था हिया उमड़ के आवे था आज खरही खेत ने बाड़ रह गया बैठ धीर धज करके नीचे नाड़ आरा जब रुक गया हिया कांप्या रानी का हिया भर आया भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मर्द का दिल तो कठोर होता है लेकिन औरत का दिल बड़ा नाजुक होता है कदे ऐसा ना हो कि रानी के आंख से आंसू आ जाएं और मेरे भक्त अपने धर्म से अपने मार्ग से विचलित हो जाएं ठाकुर जी ने भगवान का नहीं आने उन्हें उस समय उस दुख की घड़ी में उनका साथ दिया दुख सहने की शक्ति दी राजा रानी छोड़ के आर्य को हाथ जोड़ के परमात्मा का ध्यान धरने लगे सजना जब खून की फुहार छूटी राजा रानी ने लई आंख मीच कि जब खून की फुहार छूटी राजा रानी ने लई आंख मीच और श्री कृष्ण की माया फिरी तो वो आरा चाल्या बीच बीच कन्हैया की माया फिर गई और राजा रानी जोड़ के हाथ खड़े हैं और आरा अपने आप चल रहा है एक बार इस दृश्य के लिए भगत के भाव के लिए ठाकुर जी की माया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो एक बार जोरदार ताली क्या सीन होगा क्या नजारा होगा क्या वक्त होगा कैसे लोग होंगे क्या लोग थे जो इस तरह के वचनों के ऊपर मर मिट गए इस तरह के वचन भर करके उन्होंने अपना आगा पाछा ना देखा और राजा ने यूं सोच लिया कि अगर बच गया धर्म तो सब कुछ अपने पास है और चला गया धर्म तो समझो कुछ भी अपने पास नहीं हमारी किस्मत में होंगे तो ठाकुर जी ऐसे धीर धज तो और भी दे देगा लेकिन ये मौका ये वक्त हाथ से निकल गया तो जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता उसी तरह से समय निकला हुआ वापस जिंदगी में बगद के नहीं आएगा बेटे के तन के दो टुकड़े हो गए स्वर्ग लोक से देवी और देवताओं के सिंहासन डगमगा गए इंद्र को डर हो गया कि मृतलोक पर ऐसा कौन दानवीर है जिसने इंद्रासन पर बैठने का काम मृतलोक में रह करके कर लिया देवी देवता स्वर्ग से उतरे और पृथ्वी लोक पर आए मृतलोक पर देख रहे हैं कि रतनपुरी के राजा दानवीर मोरदज ने साधुओं के तीन वचनों में बंद करके अपने एकलौते पुत्र को बाड़ी के आरे से चीर कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश खुश होकर के दानवीर के महल के ऊपर बरसात कर रहे हैं फूलों की और कैसे चौथी आखिरी अंतिम कली में लिखा है सुनिए ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे कि देवता स्वर्ग ने छोड़ भूमंडल पे आने
धन्य धन्य दानवीर गुण राजा के गाने लगे और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों को बरसाने लगे और यूं कहने लगे सारे मिलकर के, दानवीर बहुत देखे पर ना ही सादान देखा, गाने अरे बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा, हरे राम बैस लेके गाने में तूफान देखा, हरे राम बैस लेके गाने में तूफान देखा, तक शेर के आगे डाल दिया रे 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 जीना।